पेरेंट्स होते हैं, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर चाइल्ड। वो अपने
बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेंगे। सो अगर प्यार डिस्टाइंड है कि आपको साथ में रहना ही है, तो देर शुड नॉट बी एन ऑब्स्ट्रक्शन। एंड एज इट इज़ सब प्यार मिलते नहीं है, कुछ ही मिलते हैं, तो अगर आपको मिल गया तो आप काफ़ी लकी। अदरवाइज प्यार करो। मैं ये एक ही लाइन क्यों बोल रही हूँ पिछले वन वीक से, आई डोंट नो, बट या दैट्स ऑल। अच्छा, ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हर बार में आ गया रिलीज। सलमान अली का गाना है विद ऑब्वियसली पूरम शुभम मैम एंड अंकित इज माई को स्टार। काफ़ी इंटरेस्टिंग शूट था आदिल शेख के साथ काम करके। इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बिकॉज ऐसे लग ही नहीं रहा था हम शूट कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे लग रहा था क्लब का नंबर है, क्लब में है, पार्टी चल रही है। इट वाज वेरी चिल, वेरी प्रोफेशनली शॉट आई वुड से। या ये शूट हमने किया है इधर ही वेलिनो क्लब अपस्टेयर्स। इनफैक्ट अब जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा आप सब ऊपर आएंगे तो आपको भी दिख जाएंगे वेन्यूज जो हमारे सॉन्ग में है। वेरी ब्यूटीफुल क्लब, आई लव द इंटीरियर्स। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया हमें शूट करके। एंड इट्स हाँ जी सो आप मुझे पता नहीं अगर आपको पता है बट इस वीक का ये मेरा हैट्रिक है। ये मेरा थर्ड सॉन्ग आया है ये वीक में। पहला जो मैंने किया था इट वॉज अ वेरी सैड रोमांटिक सॉन्ग, तो वो था सैड रोमांटिक सॉन्ग। सेकेंड वॉज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज इट्स अ डांस नंबर। मैं बचपन से 5 साल की उम्र से डांस करती आ रही हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी खास है बिकॉज आई गेट टू शो केस माई टैलेंट। ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आई कैन शो माई डांस मूव्स। एंड लाइक आई सेड इट वॉज वेरी नाइस टू हैव आदिल एज अ कोरियोग्राफर, सरीन एंड रणविजय एज वेल। एंड फॉर माई फैंस, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो मुझे पता है न्यू ईयर सब पार्टी नहीं करते, कुछ लोग वैकेशन में होते हैं, कुछ अकेले मनाते हैं और कुछ लोग पार्टी करते हैं। एज एन आर्टिस्ट आई फील वेरी लकी एंड वेरी फुलफिल्ड कि इस न्यू ईयर मैंने अपने फैंस को हर किस्म का गाना दिया है। मैंने उनको सैड रोमांटिक गाना दिया है, अगर वो आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहे, अगर कोई कपल्स हो जो रोमांटिक वेकेशन में गए तो उनके लिए मैंने रोमांटिक गाना दिया है। एंड फॉर द बेसिक अमेजिंग क्राउड हु गोज आउट एंड पार्टीज एवरी नाइट, वी हैव लॉन्च्ड अ डांस नंबर दैट्स हर बारवे संग बाय सलमान अली हु नॉर्मली डज सूफी। बट या दिस वॉज अ फन एक्सपीरियंस। ये गाना काफ़ी कैची है, अगर आपने म्यूज़िक देखा होगा, म्यूज़िक बाय आमिर अली, वेरी वेरी अमेजिंग, तो आई एम श्योर ये गाना पिकअप होगा। मैंने आज सिर्फ एक रील डाली थी फ्रॉम द शूटिंग एंड लोग ऑलरेडी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार ये गाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई एम श्योर कि लोग काफ़ी पसंद करेंगे इस गाने को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यू ईयर में भी याद रखेंगे कि 2023 की एंड में एक अच्छा हैट्रिक हुआ। आपके साथ कौन है, कितना साथ दिया? ये साइफा जी हैं जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और आप सभी लोग पहले से भी जानते होंगे, इन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं और इनके डांस के बारे में तो मैं बोलना ही नहीं चाहता, हर कोई जानता है। और आदर्श भाई के तो वीडियोज ऐसे हैं कि हर किसी को हंसाते ही रहते हैं, तो मुझे ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है नहीं है, अभी आदर्श भाई सब चीज़ें बोलेंगे। अंकित भाई ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके बहुत आगे बढ़े, ऐसी कंग्रेचुलेशन मैं आपको देता हूँ अंकित भाई। थैंक यू सो मच, आपका सॉन्ग भी बहुत अच्छा है और गॉड ब्लेस यू, आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लाइए एंड यूट्यूब पे भी एक नया चैनल खोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी, अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी सब चीज़ें करेंगे। यस, प्राइम रैंक में थोड़ा करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ ही सोचेंगे। यस 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 यस। और साइफा को तो वेल आई एम हियर टू कांग्रेचुलेट यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह तुम्हें ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहे
आगे तरक्की करते रहो और हम दोस्तों का नाम रोशन करते रहो साथ में. अरे आप हमारा नाम रोशन कर रहे हो. I'm here to just support you and give my all love to you, give my all blessings to you. Keep on doing hard work and अच्छा लगा. It's your second song, I guess. Haan, right? अभी तीसरा भी गाना आने के चांसेस है बहुत जल्दी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह बातें चल रही है, अभी देखते हैं कितना जल्दी आ सकता है. इस सफलता की बात यही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद एक बहुत अच्छा एक यूट्यूबर मिला और आप लोग सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्यार मिला और मम्मी का आशीर्वाद है इसके लिए. आप कभी कभी ऐसा गाना होना अभी जल्दी कुछ देखने मिलेगा? हाँ, न्यू ईयर अभी मेरा प्लान चल रहा है. मेरा पासपोर्ट नहीं था क्योंकि मेरे वीडियोज़ की वजह से मेरे पर केस हो गया, तो मेरे पासपोर्ट के इशू हो रहे थे, तो अभी पासपोर्ट बन गया, तो अभी दुबई में जस्ट शूट चालू है अगली ईयर. जितना हो सके तो मैं फनी कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ एंड बहुत ज़्यादा रोस्ट के ऊपर ध्यान देता हूँ. मे भी मैंने आपके एक वीडियो के उसको रोस्ट किया था. यस आपने कहा कि केस हो गया वीडियो बनाना, तो क्या वीडियो बनाने में भी डर लगता है आपको? हाँ, डर तो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, मैं अभी जस्ट गर्मी का मौसम आया था तो मैं एक्टिवा लेके नहा रहा था, तो बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो गया था. तो मुझे जोइला की पुलिस ने बहुत इशू दिए थे कि आप बिना हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हो, तो मैं फिर उसके केस फेस हो गए थे मेरे ऊपर, तो उसके फाइन वाइन भर के वो सब सॉर्ट हो गया. यस, मैंने फर्स्ट टाइम पार्टी सॉन्ग किया और मुझे अच्छा लगा. सलमान जी के साथ भी गाकर अच्छा लगा और मैं डिवोशनल सॉन्ग गाती हूँ. बहुत तरह का सॉन्ग गाया मैंने, लेकिन पार्टी सॉन्ग मैंने फर्स्ट टाइम गाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सर के साथ एक्सपीरियंस वर्क कर रहे हैं, सलमान सर के साथ एक्सपीरियंस कैसे चला आपने साथ में काम किया? नेचर अच्छा है, सुपर नेचर है और हमेशा स्माइल करते रहते हैं, अच्छे हैं. और क्या कहना चाहोगे, आपका कुछ नया सॉन्ग आने वाला है क्या, फ्यूचर में आप करने आ रहे हैं क्या? अभी मेरा एक छठ का सॉन्ग भी आया था डिवोशनल सॉन्ग में, वो काफ़ी अच्छा रहा. फिर अभी एक पार्टी सॉन्ग जो आप लोग देख ही रहे हैं ये भी आया है और अभी बैक टू बैक सॉन्ग आने ही वाले हैं. मेरे लई क्यों तू छड़िया घर बार वे, मेरे लई क्यों तू छड़िया घर बार वे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अब क्या बोले, अंकित जी ने घर बाहर ही छोड़ दिया किसी के पीछे, तो आज मैं देखने आया हूँ कि वो कौन है जिसके पीछे घर बाहर ही छोड़ दिया अंकित जी ने अपना. वेरी नाइस, ऑफकोर्स अगर गाना इतना अच्छा बने तो ऑफकोर्स ही संग सो वेल एंड आई थिंक बैक टू बैक उनके सॉन्ग्स आने वाले हैं अभी. तो मेरा देखो प्रोजेक्ट, आपको इंस्टाग्राम पे जो एक हल्की हल्की आपको कसक देखने को मिल रही है, ऑल द किसेस, ऑल द वाइल्ड फैंटेसीज, ऑल द रोमांटिक फैंटेसीज, तो उसी का एक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जल्दी जनवरी में. आपको लेके काफी विवाद हो रहा है इन दिनों, आप काफी विवादित रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले आप मुझे बताएंगे कौन सा विवाद. वो विवाद मैं सुनना चाहता हूँ. वो विवाद आप खुद बताएं तो अच्छा रहेगा देश की जनता. एक बर्थडे पे आपने कुछ स्टेटमेंट दिया था, वो काफी कंट्रोवर्सी हो गया. मैंने क्या स्टेटमेंट दिया? क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेट अलग वाला कंट्रोवर्सी बर्थडे तो कुछ नहीं करते बोल ना कुछ. आई रियली डोंट नो लाइक व्हिच विवाद. आप आई थिंक इट्स अ स्ट्रेटजी ऑफ सो मेनी पीपल और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसके खिलाफ काफ़ी लोग स्ट्रेटजी करना शुरू कर देते हैं एंड एक लाइफ का एक हिस्सा होता है, एक फेज़ होता है, तो वो भी एक फेज़ था, वो चला गया है एंड आई थिंक आई एम हैंडलिंग इट वेरी नाइसली.
और लोगों में अपने काम से थप्पड़ मारना चाहता हूँ। और रही बात है जिन्होंने स्ट्रैटजी बनाई थी उस चीज़ की, सो जल्द ही उन सबका नाम सामने आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है अभी तो एक इंसान जेल में गया था, उसके बाद सातों लोग जेल में जाएंगे। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लव एंड अप्रिसिएशन ऑफ ऑल द पीपल, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं और वो मेरी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो फैशन हो, जैसे कि अभी आपने बोला। सो आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क एंड विद हाई स्पिरिट एंड थैंक यू सो मच कि इतना लोग मुझे प्यार देते हैं। उनके प्यार ने ही मुझे वहाँ से बाहर आके भी यू नो एक फुल ऑन कॉन्फिडेंस दिया। हाँ जी, आपकी वीडियो वायरल होते हैं, इंसान अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी है, क्या कहना चाहते हैं? अब उन्हें दुखी रहने तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंसान को कहीं ना कहीं तो दुख होगा ना अगर मैं कुछ करूँगा तो। ईशान, ओटीटी का भी दौर चल रहा है, वेब सीरीज वगैरह आ रही है? यस, आई एम कमिंग अप विद माई टू वेब सीरीज जिसका शूट ऑलरेडी चालू है, बट वो भी बहुत ज़्यादा बोल्ड होगा। और आई थिंक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जब अटैक मिल ही गया है इमरान हाशमी 2.0 का, सो आई एम टेकिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एंड थैंक यू सो मच इमरान सर कि आपने मुझे इतना बड़ा टैग दिया। अभी टाइगर 3 में आपके जलवे मैंने देख लिया, अभी मुझे लग रहा है 2024 में इस वाले इमरान हाशमी के जलवे देखने बाकी है। आपके साथ में दो कन्याएं कौन हैं, परिचय कराएंगे? कन्याएं खूबसूरत महिलाओं के बारे में क्या कुछ कहा? ये देखिए द लेडी इन ब्लैक, इनका नाम है भाग्यश्री। एक सलमान खान सर के मूवी में आई थी भाग्यश्री, कबूतर जा 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 ये बोल रहे तुम लोग आओ आओ आओ। और एक ये है द प्रीटीएस्ट लेडी, सो प्रिया, इनका नाम है प्रिया। आई डोंट थिंक सो, लाइक कि कोई भी किसी का सहारा लेते हैं एंड दे ऑल आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स एंड मुझे अच्छा लगता है कि कहीं पर जाऊँ तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेके जाऊँ, यू नो वो एक अच्छा लगता है कि एक टीम अप होकर साथ जाना। मेरा उनका एक अलग ही रिलेशन है, लेकिन मैं उनका पहले से ही फैन था और उनकी आवाज़ मेरे को तो आज तक मतलब उनके गाने अभी भी मैं सुनता ही हूँ। और मुझे मतलब बहुत बड़ी बात है कि मुझे मौका मिला उनके वॉइस पे काम करने के लिए, और वो भी डांस के लिए भी, तो मैं उसके लिए बोलना ही नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात ये मेरे लिए कि मेरे को विक्रम सर ने चांस दिया, और उनके लिए सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर के लिए मेरी तरफ से। स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट एज यू मे नो आई परफॉर्म एट द सेमी फाइनल्स ऑफ T10 जो कि ग्लोबली ब्रॉडकास्ट हुआ था टीवी पे। क्रिकेट में देखती हूँ थोड़ा थोड़ा, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इंडियंस हेट करेंगे थोड़ा, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे फुटबॉल में है। कहीं पर भी कोई भी मैच होता है मैं पहुँच जाती हूँ, लेकिन क्रिकेट ऑफ कोर्स इट्स अ होम ग्रोन स्पोर्ट। एंड अगर आप पूछ रहे हो कि मैं कौन सा स्पोर्ट खेलती हूँ, आई प्ले बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड आई एम अ गुड रनर आल्सो। कुछ और भी मौका मिले बट लास्ट में फंस गया और मनाना ही पड़ा।
अभी इतना ज़्यादा अभी क्या बोले, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, मेरी लाइफ में भी था और है, और अभी इतनी बड़ी तरक्की नहीं मिली है कि मतलब इतना कुछ बोल सकूँ मैं। ठीक है, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग और करते रहेंगे और देखते कि अभी कुछ आसानी नहीं है। मुझे आपके पास पूछना चाहूँगा कि बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं, कुछ आप देख रहे हैं, कुछ मुनावर के बारे में चर्चा हो रही है, मुनावर फारूकी के बारे में क्या कहना चाहिए, उनकी गर्लफ्रेंड बाहर भी है अंदर भी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बिग बॉस के प्रमोशन हियर। मैं ऑनेस्टली ये मेरा इस वीक का तीसरा रिलीज है, इतनी बिजी हूँ, मैंने कुछ फॉलो अप नहीं किया है, बट अंकित इफ यू हैव एनी इनसाइट। मेरे तरफ से भी नो कमेंट्स, मैं भी नो कमेंट्स। टू टाइम्स डेटिंग चालू है मुनावर फारूकी की। मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपसे कहा था ना, प्यार करो और भूल जाओ। तो बस भूल जाओ, अगर कर रहे एक से प्यार कर रहे, दो से प्यार कर रहे, ठीक है, अभी प्यार है, कम ऑन, गेट आउट। आप सपोर्ट कर रहे मुनावर? नो, मुझे नो, आई हैव नो आइडिया ऑफ दिस सीजंस थिंग, बिकॉज़ फॉर मी अक्टूबर नवंबर दिसंबर फ्राइडे सैटरडे संडे जैसा गया, आई बीन ट्रैवलिंग, काफ़ी कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में, तो आई अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो थिंग्स, बट किसी का साइड नहीं ले रही, बट डिप्लोमेटिकली मैंने खुद का ही पॉइंट डाल दिया। कुछ नहीं कहना चाहिए, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही पूरे एकदम मेरे पास खड़े हैं ना इसीलिए। क्या बात है वाह, क्या कमेंट किया है। थैंक यू मैडम। आप लोगों को गाना कैसा लगा, आपने नहीं पता? विच वॉज योर फेवरेट शॉट या लुक या एक सीन करिए आधे लोग देखेंगे तो ये बोल दिया कैमरा में बोलो आधे लोग। ओके थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, बहुत पसंद आ रहा है भाई। प्यार करो बट हर बार मत छोड़ना, बट बहुत मज़ा आया ये शूट करके, इट्स अ डांस नंबर, आई लव डांसिंग, जितने आप अगर फील्ड ले जाता है पर्सनली तो उसको पता होगा, सैड सॉन्ग को भी मैं डांस नंबर बना देती हूँ, सो दिस वॉज अ डेजिग्नेटेड डांस नंबर एंड आई रियली एंजॉयड, एंड हमने एक्चुअली काफ़ी मज़ा किया शूट। हाँ, मैंने तो मज़ा नहीं किया एक्चुअली, मेरे को डांस बिल्कुल भी नहीं आता था और मैंने तो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था आदिल सर को, लवीना को, मेरे कारण तो सब परेशान होने लगे थे, कम से कम रीटेक पे रीटेक रीटेक पे रीटेक, बट ठीक है, लेकिन लास्ट में बहुत मज़ा आया। लेकिन अगर बात करूँ गाने की तो सलमान अली जी की वॉइस इस गाने से जुड़ी है, उनकी आवाज़ के साथ अगर कोई काम करना चाहता है, सुनना चाहता है, आप उसका हिस्सा बने, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे उस बात? आई थिंक जब मैं किसी को कहती हूँ कि मैंने सलमान अली का डांस नंबर किया, एवरीवन लाइक व्हाट, ये तो सुनना पड़ेगा, एंड आई थिंक उनकी जो आवाज़ है, जो इतनी हाई पिच है, जो इतने हाई पिच में गाते हैं, आई होप हमारा सॉन्ग भी उतने हाई पिच और हाई फ्रिक्वेंसी में। अभी सलमान अली सर का शो भी आ रहा है, लोग काफ़ी नए लोग को मौका मिलेगा, आप लोगों को पहला मौका मिला, तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक लाइक आई सेड वेरी ग्रेटफुल कि ये मौका मिला, एंड सलमान अली हिमसेल्फ व्हेन ही वाज ऑन द शूट वी हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग विद हिम, वेरी केयरफ्री, वेरी कूल टू बी गाय, एंड अच्छा लगता है कि इतने अच्छे सिंगर्स के साथ जब हम जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत